सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। आप सभी को हमने अप्लाइड फिजिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर को, अप्लाइड केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर को, अप्लाइड मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर को दिखा दिया है। तो आज बारी है इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रीवियस ईयर पेपर को दिखाने की, और मैंने कम्युनिकेशन स्किल के भी प्रीवियस ईयर पेपर को दिखा दिया है। तो सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप सभी सारे पेपर को देख सकते हैं। और ओरिजिनल पेपर को देखने के लिए, उसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानवीर सचिन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। अब वो ज्वाइन कैसे होगा, सिंपली आप ज्ञानवीर सचिन सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर में हम 2021 के पेपर को दिखाएंगे और 2022 के पेपर को आप सभी तक टेलीग्राम तक पहुंचाएंगे, और उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, और कुछ ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे। ट्रिक के बारे में बात करने का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, मतलब 2021 में आए हैं तो 2022 में नहीं आएंगे, और फिर 2023 में आएंगे। तो उस ट्रिक को भी आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत दिखाने वाला हूं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक का 3 साल का एक्सपीरियंस जो रहा है वो आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। इसके साथ साथ ही अगर आप सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स वाले ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, और आप सभी की बिल्कुल अच्छी तरीके से धाकड़ तरीके से तैयारी करने के लिए नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। और नोट्स की जो प्राइस है ओनली 49 रुपीज़ है। आपको सिंपली 49 रुपीज़ पे करके आप सभी पहले 9369041920 पे सिंपली कॉल या मैसेज कर लेंगे, देन आपको नोट्स की पीडीएफ के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम बता देंगे। फिलहाल हम ड्राइंग के पेपर को देखेंगे, और ड्राइंग के पेपर के पैटर्न को भी देखेंगे, और सारी चीज़ों को हम समझेंगे। कोड जो है वो 2044 है, और आप सभी को पता है कि जो ड्राइंग का पेपर होता है वो 60 नंबर का होता है, और इसका टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। इसमें आपको मिनी ड्राफ्टर और आपका ड्राइंग बोर्ड लेकर जाना होता है, और आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेंसिल्स होते हैं, और उसके साथ साथ जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें लेकर के जाइए, और कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अब हम पेपर के पैटर्न को आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके के पेपर पैटर्न के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 2021 का पेपर पैटर्न है। अब 2021 के पेपर पैटर्न में आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन होता था जिसे हम आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं वो नहीं पूछा गया है। तो देखिए जो लगातार क्रम चलता आ रहा है, जैसे 2021 में आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी इस पेपर को मैंने दिया था, ठीक है, तो इसमें आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं पूछा गया था, बट 2022 में आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं जो आपका पेपर होगा 2023 में, यानी जो ये आपका पेपर होगा दिसंबर या जनवरी के महीने में, इसमें आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ना पूछा जाए, ऐसी उम्मीद करते हैं। और वो उम्मीद का जो परसेंटेज है वो 99% हम रखते हैं अपनी तरफ से, बिकॉज ये 4 बार ऐसे लगातार हो रहा है। 2017 या 18 के बाद का प्रोसीजर ये फॉलो किया जा रहा है, जब से जो चेंज हुआ है सिलेबस 2018 के बाद से, उसके बाद से आपका यही सेम पैटर्न रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि इस बार आपको आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ना देखने को मिले, और आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब आता है तो पूरे 18 नंबर का आता है, और वह कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो उसे आपको करना ही करना होता है, वरना आपकी कॉपी नहीं चेक होती है, यानी उसे अटेम्प्ट करना होता है। अगर आता है तो जरूर इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। अब पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विभिन्न रेखाओं को खींच करके बताइए, तो उसमें लाइन डिफरेंट टाइप के लाइंस को रिप्रेजेंट करके उनके नाम को लिखना था, और फिर ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें कि कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं होगा जहां पर आपके 10 mm ऊंचाई वाला जो आपको बनाना है लेटर वो आपका नहीं देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसमें तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी लड़ाई होती है, बस प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें, और कभी कभी इंक्लाइंड वाला पूछता है और कभी कभी नॉर्मल, ठीक है, जैसे वर्टिकल पूछा गया है, तो आप दोनों की प्रैक्टिस जरूर करें, और ये 10 नंबर आपके 100% फिक्स होते हैं, आना ही आना है। और फिर आप सभी देखेंगे तो पूछा गया था खटभुज बनाने के लिए, ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो अधिकतर यही पूछता है, खटभुज और पंचभुज, ठीक है, तो ये, और फिर अष्टभुज भी पूछा जाता है, तो ये तीनों की आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिर आप सभी अगर देखिएगा तो डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल हमेशा पूछा जाता है
ठीक है। डायगोनल स्केल को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार ही कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से 14 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाता है। लेकिन देखिए गया यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था और ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इस बार का जो पैटर्न आप सभी का आएगा, उम्मीद करूंगा कि 14 नंबर का आप सभी का डायगोनल स्केल पूछा जाए। और फिर देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट जो है प्रोजेक्शन वाला है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है उसके सांकेतिक चित्रण को बताना है, तो आप ये दोनों जरूर तैयार कर लीजिएगा। और फिर देखिएगा यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है जो कि आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, ठीक है। तो हमारे पैटर्न में जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जो स्ट्रेट लाइन के नाम से जाना जाता है, फिर सॉलिड का प्रोजेक्शन हमको दिखाना होता है, ठीक है। तो इन तीनों को अगर आप देख लेते हैं, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, पॉइंट तो बहुत सरल है लेकिन लाइन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। और फिर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, इन तीनों को अगर आप देख लेते हैं तो आपका पूरा 60 का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर आने की पूरी तरीके से संभावना है। देखिए ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 30 mm भुजा वाले समतल वर्गाकार समतल ABCD, ठीक है, समांतर 20 मीटर दूरी पर है। समतल की भुजाएं BPC इतनी पर झुकी हैं, समतल का कोणीय प्रक्षेप खींच, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी, और ये बेलन वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और फिर जो आपका लेटर वाला है, ठीक है, ये आप तैयार करें। और फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की उम्मीदें थोड़ी सी कम है, बट आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, बिकॉज ये हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ठीक है। बट जो जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करें वो अच्छी तरीके से करें, और डायगोनल स्केल जो है वो उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और डायगोनल स्केल आपका डेफिनेटली ये नहीं है कि नहीं आएगा, आना ही आना है, क्योंकि हमारा 5 टॉपिक टोटल है, तो 5 टॉपिक में से आपका जो क्वेश्चन बनना है इसी में से बनना है। तो आपका कितना थ्योरी देगा, जितना देगा थ्योरी वो एक लिमिटेशन के अंतर्गत ही रहेगा। तो फिलहाल जो पेपर था मैंने आप सभी को दिखा दिया है, और टेलीग्राम पे मैं आप सभी को पेपर को सेंड कर दूंगा। और अगर आप सभी नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो सिंपली इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।